हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता, 1500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, जो कि 1500 सीरीज का ये नेक्स्ट सीरीज है, जो कि आज चैप्टर नंबर 4 है, जो कि प्रारंभिक विद्युत एवं सोल्डिंग चालक एवं अचालक। ठीक है, इसके विषय में वीडियो लेके आया हूँ, जो कि ये निम्नलिखित थ्योरी के पैटर्न है। ये दो तीन चैप्टर मिला के एक चैप्टर बन जाता है, जिसमें करीब 100 से 150 क्वेश्चन रहता है, उससे कंप्लीट होता है। ठीक है, क्योंकि मैं बताया हूँ आपको 1500 क्वेश्चन में मैं पूरा निम्नलिखित थ्योरी ख़त्म कर दूँगा। तो इसके लिए हम अपना वीडियो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम होगा प्रारंभिक विद्युत सोल्डिंग चालक एवं अचालक। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे प्रारंभिक विद्युत होता है, सोल्डिंग के बारे में, प्लस चालक एवं अचालक के बारे में। ठीक है, तो हम दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जिसका कोई निश्चित भार हो और जो स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चैप्टर के नेम ये रहा प्रारंभिक विद्युत सोल्डिंग चालक एवं अचालक। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिक सोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। पदार्थ कितने रूप से पाया जाता है, कितने रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, जो कि हमारे पृथ्वी पर पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर क्या होता है, 1 ठोस, नंबर 2 क्या होता है, द्रव, नंबर 3 क्या होता है, गैस। ये 3 रूप से हमारे पृथ्वी पे पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और जो ठोस है और द्रव, गैस, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, जो कि यदि मैं इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं शॉर्टकट या छोटा करके मैं निम्नलिखित पैटर्न बता, ठीक है, एकदम बेसिक से मैं इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक होता है उसी पैटर्न से एकदम स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 143, पदार्थ के छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा से छोटा, उससे भी छोटा कण को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। पदार्थ के छोटे से छोटे कण को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, जिसमें पदार्थ सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ परमाणु क्या होता है, प्रश्न है, परमाणु क्या होता है, आइए इसका आंसर जान लेते हैं। अणु परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटे कण है जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता, परंतु वह रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है अथवा उनका उनके द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम चलते हैं 145 क्वेश्चन पे। क्या परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप वैसे भी बोल देंगे जी नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी नहीं। परमाणु 3 मुख्य प्रकार के मौलिक कणों में बना है, जिसने हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हम जान लेते हैं दोस्तों। यह प्राकृतिक एक मूल कण है और इस पर कोई ऋण आवेश होता है, जिसको हम ऋण आवेश कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जैसे होगा प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन यह भी प्राकृतिक का एक मूल कण है, वह इस पर कोई धन आवेश होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से
1845 गुना भारी भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यह भी प्राकृतिक का एक मूल कण है और इस पर कोई धन आवेश होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना भारी होता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह भी प्राकृतिक का एक मूल कण है और यह आवेश रहित होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे अपना क्वेश्चन बढ़ाते हैं 149 पे, क्या इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश के मात्रक की दृष्टि के बराबर अर्थात 1.602 × 10⁻¹⁹ जो कि माइनस उसमें लिखना मैं भूल गया इसके लिए सॉरी, तो कूलम होता है, या इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋण तथा प्रोटॉन पर इतना ही धन आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 140 पे, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी विभाज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी नहीं, या तीनों ही प्राकृतिक के मूल कण हैं और सभी प्रकार के परमाणु इन तीनों प्रकार के कणों में बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे अपना क्वेश्चन बढ़ाते हैं 151 पे, क्या विभिन्न तत्वों से प्राप्त मूल कण एक जैसे होते हैं? तो इसका आंसर जान लेते हैं, जी हाँ, सभी प्रकार के तत्वों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स सर्वत्र समान होते हैं, इसी प्रोटॉन सर्वत्र समान होते हैं और इसी प्रकार के न्यूट्रॉन भी सर्वत्र समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं 152 नंबर पे, परमाणु की संरचना कैसी होती है? तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं, प्रत्येक परमाणु एक केंद्रीय संघनन भाग होता है जो नाभिकीय कहलाता है, इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, नाभिकीय के चारों ओर आकाश में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं 153 पे, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का विवरण किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, परमाणु में विद्यमान कक्षाओं में KL, MN, OP, Q अक्षरों व्यक्त किया जाता है और समानता इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्रमशः 2, 8, 18, 32, 18, 2, 8, 2 होती है, अंतिम कक्षा में 2 या 8 अधिक तथा पूर्व कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाने के बाद नई कक्षा प्रारंभ हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 154 पे, सौर प्रणाली और परमाणु संरचना का क्या समानता है? इसका आंसर जान लेते हैं, सौर प्रणाली के केंद्रीय भाग में सूर्य उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ग्रह परिक्रमा करते हैं, इसी प्रकार परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिकीय है तथा इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तत्व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुल कितने प्रकार के तत्व होते हैं? तो आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में प्राप्त तत्वों की संख्या कुल 92 है और अब तक 13 से 14 प्रकार के तत्व प्रयोगशालाओं में बनाए जा चुके हैं, जो वैज्ञानिक मेंडेलीव के अनुसार तत्वों को अधिकतम संभावित संख्या 108 है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यौगिक क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से रासायनिक रूप से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। यौगिक कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक की कुल संख्या के अनुमान लगभग ठीक कठिन है, केवल कार्बन नामक तत्व के यौगिकों की संख्या ही 10,000 होती है, 10,000 से अधिक होती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। परमाणु भार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी परमाणु के विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं जो परिभाषिक तौर पर किसी तत्व का एक परमाणु इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से जितने गुना भारी होता है उस संख्या को उस तत्व के परमाणु भार कहते हैं। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा किसी परमाणु का विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा प्रोटॉनों की संख्या तत्व के परमाणु की संख्या कहलाती है। किसी परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के ठीक बराबर होती है और उसे परमाणु अशून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलतम परमाणु किस तत्व का बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का। इसकी नाभिकीय केवल एक प्रोटॉन के अवस्थित होता है और उसके चारों ओर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन परिक्रमा होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मैं न्यू वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।